देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति के हैचबैक वाहनों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसी पे जल्दी अपनी कंपनी हैचबैक सिलेरियो के नए मॉडल को उतारने की योजना बना रही है। इस कार को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। बताया जा रहा है इस बार के टाटा सिलेरियो के 2021 मॉडल को नेक्स्ट जनरेशन में पेश करा जाएगा, जिसका मतलब इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बदला जाएगा और इसका एक नया रंग रूप आपको इस बार ही देखने को मिलेगा। उसके साथ ही बताया जा रहा है कंपनी इसमें नए तरीके के फीचर्स जो कि फर्स्ट इन क्लास होने वाले और साथ ही ज़बरदस्त इंजन स्पेसिफिकेशन देने वाले है। मारुति में आपको इसमें नया हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये सिलेरियो, जो पहले से ही नए अन्य कारों मारुति की जैसे वैगनर, शिफ्ट और डिज़ायर में उपयोग किया जाता है। सिलेरियो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के डिज़ाइन में मौजूदा संस्करण की तुलना में फ्रंट में आपको हेडलाइट्स की तरह नई छोटी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा और स्लीक प्लेट्स देखने को मिलेगी जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ दी जाएगी। वहीं बम्पर को नया रंग रूप देने के लिए साथ ही सुजुकी ने फ्रंट में फ्रंट ग्रिल का क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है। उसके साथ ही सिग्नेचर लोगो सुजुकी का और फ्रंट में आपको नए तरीके का बम्पर देखने को मिलेगा। वहीं बैक साइड में सिलेरियो में आपको इस बार नए तरीके के टेल लैंप देखने को मिलेंगे जो कि फुल्ली LED होने वाले हैं। उसके साथ ही एक्सटीरियर में आपको कई सारे अन्य बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स के साथ साइड स्किड प्लेट देखने को मिलेगी जो कि डुअल टोन पेंट स्कीम के साथ आने वाला है। इस बार की सिलेरियो का डिज़ाइन कूपे क्रॉसओवर SUV लुक के जैसा होने वाला है, क्योंकि भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कार कंपनी इस कॉम्पैक्ट SUV के डिज़ाइन पर इस नई सिलेरियो को लॉन्च करेगी जो कि क्रॉसओवर लुक में आने वाली है। बताया जा रहा है न्यू जनरेशन सिलेरियो के इंटीरियर में आपको फुल्ली लेदर इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कि प्रीमियम कम्फर्टेबल सीट्स के साथ आएगा। उसके साथ ही गाड़ी में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड और 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि टच स्क्रीन, नेविगेशन, पावर प्ले और क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ऑटो कार प्ले के साथ और भी कई सारे फीचर्स जैसे कि वॉइस कमांड और एयर प्यूरीफायर के साथ आएगा। उसके साथ ही गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग और सनरूफ के रिलेटेड ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल और स्पेशियस बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मारुति की नई जनरेशन सिलेरियो में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 130 HP की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। साथ ही गाड़ी में आपको 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे पाने में ये गाड़ी संभव होने वाली है। अगर हम बात करते हैं लास्ट में इस गाड़ी की कीमत के बारे में, तो कंपनी इसे 3 से 5 लाख रुपये की एक्स शोरूम बेस मॉडल पर लॉन्च करेगी जो कि बताया जा रहा है जून या जुलाई के आसपास बताई जा रही है। हाल ही में कंपनी मई के एंड में इसकी बुकिंग शुरू करने वाली है। तो दोस्तों, अपनी राय, अपनी जगह का नाम, अपना नंबर हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएगा अगर आप भी इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो का लाइक रखते हैं हम 750 लाइक का, जल्दी से 750 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिएगा अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।